जी साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर में आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान में ऐसे समय पर जब कोरोना महामारी फैली हुई है, आंकड़े 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद गाजियाबाद बॉर्डर हो या हिंदुस्तान का मुंबई के आप रेलवे स्टेशन पे देखेंगे, हजारों मजदूर आज भी अभी इस समय सड़कों पर हैं, झुंड के झुंड में हैं, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी जो है वो परवाह नहीं की जा रही, अपनी जानों को खतरे में डाला गया। कुछ मजदूरों को कहते हुए सुना, बेचारे बेबस हो चुके हैं कि मरना तो है, चाहे कोरोना से मरे नहीं तो भुखमरी से मरे, क्योंकि बेरोजगार हो चुके हैं, पैसा खाना खत्म हो चुका है, अब अपनी जमीन पर जाकर मरना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको कहती हूं, जनता जज बन जाइए, आप जज बनिए। आप दोनों को देखिए, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की विधायक है? नहीं। सांसद है? नहीं। पार्षद है? नहीं। मुख्यमंत्री है? नहीं। फिर प्रियंका गांधी को क्या पड़ी है कि उत्तर प्रदेश का जो गरीब मजदूर देश के निर्माण के लिए देश के कोने कोने गया था, वो अपने घर अगर लौटना चाहता है, तो प्रियंका गांधी जी की शायद ये गलती है। जज बनिए, इसे सुनिए, मैं आप जनता से कहूंगी, जज बनकर आप तय करिए कि कौन मदद कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी जी ने एक नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर पूरे देश में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए जारी किया हेल्पलाइन। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए यह नंबर क्यों जारी किया, यह भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना बनता है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महासचिव प्रभारी होते हैं और उन्हें उनकी स्टेट सौंपी जाती हैं और वो अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष या अपने अध्यक्षों को देते हैं। सेम उसी तरह नाम बता रही हूं, कैलाश विजयवर्गीय। कौन है कैलाश विजयवर्गीय? बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, सांसद रहे, उनका बेटा भी अभी है विधायक, वो महासचिव प्रभारी भाजपा से बंगाल के हैं। अभी कह रहे हैं, तुरंत उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, कैलाश विजयवर्गीय के ट्विटर हैंडल पे जाइए। देश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पे जब आप जाएंगे तो लगता है कि वो बंगाल की उनकी जिम्मेदारी है। सारा देश छोड़कर, मध्य प्रदेश छोड़कर, अपना खुद का राज्य छोड़कर अगर आप उनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो पूरी की पूरी राजनीति बंगाल की कर रहे, क्योंकि बंगाल में कुछ महीने के बाद चुनाव है। पूरी तरह सांप्रदायिकता, पूरी तरह से वहां पर जितनी अराजकता, जितना लोगों को भड़का सकते हैं मदद करने की बजाय वहां की सरकार की, वो कर रहे हैं। बोला जा रहा है ट्रेनें नहीं बंगाल में घुसने दे दी जा रही। कैलाश विजयवर्गीय इस समय, सबको पता है कि जो समुद्री इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से तबाही हो सकती है अगले 2 दिन में। मौसम विभाग ने जो बताया है, वहां पर जो भी तूफान आने वाले हैं उसको देखते हुए अगर मुख्यमंत्री ने वहां की कह दिया कि आप 2 दिन के लिए ट्रेनें रोक दीजिए बुध और वीरवार के लिए, उसके बाद आप चालू कर दीजिएगा, तो उसमें भी वो राजनीति करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति नहीं कर रही। प्रियंका गांधी कैलाश विजयवर्गीय की तरह बंगाल में जाकर वहां के चुनावों को देखते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए मदद की बजाय राजनीति नहीं कर रही। वो धरना नहीं कर रही कैलाश विजयवर्गीय की तरह बंगाल में बैठकर, वो दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान में एक हेल्पलाइन नंबर जो मैं आपको बता रही हूं, 7399901414, ये यूपी प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी जी ने वायरल किया, पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने इसको वायरल किया और लगातार जो उत्तर प्रदेश का मजदूर देश के किसी भी कोने में फंसा था उनको फोन आने शुरू हो गए। प्रियंका गांधी जी ने यह रिपोर्ट अपनी कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की कमेटी को सौंपी कि कम से कम 60 लाख लोग जो है हमसे मदद मांग रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, कोई रहना, कोई खाना, कोई पैसे की मदद और कोई अपने घर जाना चाहता है। तो जब मदद पूछी तो कांग्रेस ने पूछा क्या चाहिए, तो प्रियंका गांधी जी ने लिखित में कहा कि कांग्रेस को 1000 बसें एक प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी जी को देनी होंगी, ताकि वो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर देश में फंसे हुए हैं और बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, 4 दिन से सरहद बना दी गई है, सीमा बनाकर उन्हें रोका गया, उन्हें वो अपने घर तक पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस ने तुरंत उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की बात को मान लिया और 1000 बसों के लिए जो पैसा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पार्टी, उन्होंने दे डाला। 1000 बसों की तैयारी कर ली गई। उसके बाद 16 मई, याद रखिए, सब चीज आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल पे है, किसी के कहने पर मत आइए, माफी चाहूंगी, किसी के कहने पर मत आइए कि अलका लांबा क्या कहती है, संबित पात्रा क्या कहता है। अपने आप को देखिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे फेक चीजें भी चल रही हैं और ओरिजिनल भी, हकीकत आपको सड़कों पर दिखेगी। गाजियाबाद की बॉर्डर पे जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ा के 4 दिन से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है,
16 मई को उरैया का, मैं दोबारा बता रही हूँ, 16 मई को उरैया में जो बस हादसा हुआ, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने हुआ ऐसे, तो फिर औरंगाबाद की जो ट्रेन आ रही थी, मालवाहक ट्रेन जिसके नीचे 17 लोग मर गए, हमें ये भी देखना चाहिए वो ट्रेन आई कहाँ से थी, जहां से आ रही थी उस राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना चाहिए कि वो वहां से मालवाहक ट्रेन आई और औरंगाबाद में मजदूरों को कुचल दिया। ये कैसी राजनीति है? उरैया के बस हादसे के बाद देखा असुरक्षित तरीकों से मजदूर देश भर के कोनों से अपने अपने राज्यों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी ने वहां पर 1000 बसों का प्रस्ताव 16 तारीख को हादसा हुआ शाम को एक पत्र लिख डाला। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी, आप हमसे किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, किसी भी तरह, हमारी देश में सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, पर एक कांग्रेस के सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते आप हमसे मदद लीजिए, हम आपको हर तरीका की मदद देने को तैयार हैं। जहां हमारी सरकारें वहां हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वहां हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमारे पास सरकारी पैसा है, टैक्स है, हमारी सत्ता है, हमारे पास ताकत है कि हम वहां कर पा रहे हैं। लेकिन जहां हमारी सरकारें नहीं है, क्या मानवीय आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या प्रियंका गांधी ने ये सोचकर गलती की कि वहां के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं सोचना चाहिए। ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरी राज्य की सीमा, ये मेरे राज्य की सीमा, ये तेरा मजदूर, ये मेरा मजदूर करना चाहिए था, ये आपको जज करना है। 16 तारीख को उरैया का जो हादसा हुआ उसके बाद और भी हादसे हुए, लोगों ने जान गंवाई, 1000 बसें, लिखित में लेटर 16 तारीख को देख लीजिए। प्रियंका गांधी जी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, गूगल करिए, कुछ भी फर्क फेक और ओरिजिनल में फर्क बस कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी ने 16 को लेटर लिखा कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बॉर्डर पे जो खड़े हैं, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आगरा का बॉर्डर, आगरा से दिल्ली का रास्ते है, उत्तर प्रदेश जाना है, वहां हम देंगे। 16 को लेटर लिखते हैं, 17 तक कोई जवाब नहीं आता है। अगर कोई जवाब है, उत्तर प्रदेश भाजपा के लोगों को कहूंगी प्लीज वो जवाब लोगों में डालिए, लेकिन फर्जी वाड़ा मत करिए, ये देश के गरीब मजदूर के जान पर बनाई है। उसके बाद 16 तारीख को लेटर लिखा प्रियंका गांधी जी ने यूपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 17 को कोई जवाब नहीं आया, 18 को जवाब आया, क्योंकि पहले इन्हें लग रहा था कि शायद ये हवाबाजी कर रही हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस, 1000 बसें ये कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम था कि जब हमने हेल्पलाइन जारी की थी तब से हमारी तैयारियां मजदूरों को मदद करने के लिए शुरू हो चुकी थी, हमारे पास पूरे आंकड़े थे, पूरी तैयारी थी। उस पूरी तैयारी के बाद हमने यूपी के मुख्यमंत्री को ये प्रस्ताव दिया कि 1000 बसें, हम 16 तारीख को हमने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, 17 को मना कर दिया, 18 को लगा कि झूठ होगा, इसलिए लेटर आता है यूपी सरकार की तरफ से कि आप हमें बसों की जानकारी दीजिए, आप हमें, पहला लेटर आता 18 को, ध्यान से सुनिएगा, उस लेटर में कहा गया है कि हम, आप हमें बसों के नंबर, ड्राइवर के जो है मोबाइल नंबर और ड्राइवर का नाम, ये चीजें हमें दीजिए पहले लेटर में, गूगल पे है, देख लीजिए, प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, मिल जाएगा, ये जानकारी हमें दीजिए। हमने 18 तारीख को कुछ ही मिनट के अंदर उन 1000 बसों की जानकारी यूपी सरकार को दे दी। रात को 10:30 बजे उसी 18 तारीख को दूसरा लेटर उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें फिर मिलता है कि नहीं नहीं ये जानकारी नाकाफी है। रात को 10:30 बजे का लेटर है, उसमें दूसरे लेटर में कहते हैं हमें बसों की फिटनेस की भी जानकारी चाहिए, हमें इतना ही नहीं, हमें बसों की फिटनेस की और उसके परमिट्स की वो सब चीजें चाहिए और सुबह 12 बजे तक चाहिए। ये लेटर रात को 10:30 बजे, दूसरा लेटर 18 को मिलता है हमारी लिस्ट देने के बाद, और 12 बजे तक का समय दिया जाता है। हम फिर उनको लेटर लिखते हैं सुबह उठ के 19 तारीख को, ध्यान से सुनिएगा, 19, अब 16 गई, 17 गई, 18 गई, अब 19 तारीख सुबह को हम लेटर लिखते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है, फिटनेस के सर्टिफिकेट जिनके हैं वो हम आपको वो भी भेज देंगे, पर 12 की जगह हमें 2 घंटे और दे दीजिए, दोपहर 2 बजे तक हम सब जानकारी आपको देकर बसें जो है वो खड़ी कर देंगे। हम लोगों ने वो भी जानकारी दे दी सारी बसों की फिटनेस की, सब की हमने जानकारी, 1049 बसों की जानकारी हमने दे दी। उसके बाद भाजपा का फर्जीवाड़ा शुरू होता है, मैं चुनौती देकर कह रही हूं, फिर मैं कह रही हूं जनता को जज बनिए, जनता को कह रही हूं जज बनिए, जज आपको बनना है, आपको तय करना है कौन राजनीति कर रहा है, कौन मदद करना चाहता है। भाजपा के लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, हो सकता है 1049 बसों की टाइपिंग में कहीं कोई नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया हो और वहां पर उन्होंने उस गलतियों को, जिसमें
यूपी सरकार हमें बताती है मात्र 1049 में से 69 बसों की जानकारी जो है वो दुरुस्त नहीं मिली है या फिटनेस नहीं है या कोई ना कोई कमी, इसलिए हम 1049 में 69 बसों को रद्द करते हैं। यूपी सरकार का लिखा हुआ पत्र, अप्रूव की हुई 880 के करीब बसें अप्रूव कर दी गई हैं, लेकिन भाजपा ने क्या किया, भाजपा के समित पात्रा के उसमें वो लेटर नहीं डाल रहा, यूपी सरकार का लेटर नहीं डालते हैं बसों के नंबर के साथ कि ये बसें स्कूटर है, बाइक है, एम्बुलेंस है, साइकिल है, ई रिक्शा है, नहीं डालते वो सिर्फ कुछ नंबर अपने आप ही टप 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 करके अपने आप ही छेड़खानी करके डाल देते हैं और लोग उसको चेक करते हैं तो वाक्य में वो एम्बुलेंस, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, ई रिक्शा का नंबर मिलता है। वो तो मिलना ही था क्योंकि इन्होंने लिस्ट नहीं डाली, इन्होंने नंबर डाले और नंबर उसी के डाले जो आपने जांच किया तो मिलना था। लेकिन यूपी सरकार का लिखित में लेटर जब आता है तो पता लगता है 1049 में से 69 बसें सही नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, 69 बसें ठीक नहीं है तो 879 के करीब जो बसें हैं वो तो चला दीजिए। फिर उसके बाद लेटर आता है 19 तारीख को, ठीक है ऐसा करिए ये जो बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं गाजियाबाद और नोएडा के, इन्हें आप लखनऊ रवाना कर दीजिए। ये लेटर मिला है उत्तर प्रदेश की सरकार से, मिलता है हमें। प्रियंका गांधी जी ने उस पर चर्चा की कि मजदूर तो दो तीन दिनों से गाजियाबाद के बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर हो, हर जगह खड़ा हुआ है, बसें वहीं खड़ी हुई हैं जहां उन्हें बैठाना है, आप उन बसों को लखनऊ भेजने की बात कर रहे हैं। लखनऊ भेजने का मतलब है, आप समझ रहे हैं, समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, और जो मजदूर दो दिन से भूखा प्यासा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, हर नियमों कायदाओं की सुरक्षा की जो है वो परवाह किए बिना वहां पर जूझ रहा है, उसका आप सोच रहे हैं कितना, आप कह रहे लखनऊ भेज दीजिए। साफ सी बात है, हमने इसमें कहा कि ये सब संसाधनों की, समय की बर्बादी है कि यहां से लखनऊ भेजा जाए, और लखनऊ से देव सिंह उन्होंने कहा कि हम खुद इसको अपने हिसाब से करेंगे। जब हमने इसकी बात के बताया तो खुशी उनको समझ आई, उस अधिकारी को, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करिए आप इसे गाजियाबाद, नोएडा और आगरा की तरफ लगा दीजिए। बिल्कुल आज 19 तारीख को दोपहर 2 बजे हमारी बसें, मैं आपसे चुनौती देती हूँ, जज बनिए, जाइए जमीन पर, जांच करिए, तथ्य और सबूत रखिए देश के सामने कि कौन राजनीति कर रहा और कौन मानवीय आधार पर मदद करना चाहता है इन मजदूरों की, जबकि उनके राज्यों में, हमारी उस राज्य में हमारी सरकार नहीं, हमारे विधायक नहीं, हमारे सांसद नहीं, हमारा देश में नहीं, फिर भी एक मानवीय आधार पर हम उस गरीब मजदूर की मदद करके उसके समय पर सुरक्षित उसके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें अगर हम खड़ी कर देते तो क्या वो हमारा कसूर है, हमारा अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह आप तय कर लीजिएगा। अभी इस समय गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पे 879 बसेस खड़ी हैं, और अभी सूचना मिली है मात्र 10 मिनट पहले दिल्ली के बॉर्डर पे भी 300 बसेस पूरी जांच के बाद, सारे क्लियरेंसेस के बाद 300 बसें वहां पर भी खड़ी कर दी गई हैं। आप समझ रहे हैं, खड़ी कर दी गई है, जाइए जांचिए, आपका कोई रिश्तेदार ही रहता हो उसके आसपास करीब में, उन्हें कहिए जाकर देखिए। अलका लांबा ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1100 बसें खड़ी कर दी गई हैं। मजदूर बैठकर उसमें अपने घर निकल जाना चाहता है रात को, लेकिन आगरा का जो अधिकारी है, नोएडा गाजियाबाद का जो अधिकारी है, वो कहते हैं कि ऊपर से उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। जब तक ऊपर से उन पर कोई आदेश नहीं आएगा, वो इन बसों में ना तो मजदूरों को बैठने देंगे और ना उनके घर के लिए रवाना होने देंगे। और आज 16 तारीख को रैया का जो मामला हुआ, तब से ये जो पत्राचार पॉलिटिक्स चल रही है, 16, 17, 18, 19 खत्म हो गया और मजदूर सड़कों पर गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर आज त्रस्त है। मुंबई में भी त्रस्त है, मैं बता रही हूँ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है आप हमारे राज्यों की, कांग्रेस की राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरा राज्य, तेरा मजदूर मेरा मजदूर, कर लीजिए। लेकिन जहां जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, उस मदद को तो आप मानवीय आधार पर, राजनीति मत करते हुए ले लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल इंडिया टूडे पर 16 तारीख को एक इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका गांधी जो है, जब लेटर लिखा प्रियंका जी ने कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं, इसे 3 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं। योगी नाम है, भगवा चोला उड़ा हुआ है, इन दो शब्दों का, इस पहनावे का, इस चोले का तो थोड़ा सम्मान करिए। इतना बड़ा झूठ कि 16 को रैया में हादसा होता है, 16 को तो लेटर आपको लिखा है और आप टीवी पर आकर कहते हैं कि 3 दिन से
प्रियंका गांधी कह रही है 1000 बसें देंगे और हम इंतजार कर रहे हैं, इतना झूठ बोलकर उसे इतना वायरल उस वीडियो को करवाया कि योगी आदित्यनाथ तो 3 दिन से वेट कर रहे हैं और प्रियंका गांधी सिर्फ हवाबाजी में 1000 बसें की बात कर रही है। कितना बड़ा झूठ। 18 से पहले का कोई लेटर यूपी सरकार की तरफ से हो तो प्लीज इन्हें कहिए फर्जी आंकड़े मत दिखाइए, ओरिजिनल पत्र यूपी सरकार द्वारा लिखा गया दिखाइए। हम अपने ओरिजिनल पत्र के साथ अब टाइम भी लिख रहे हैं कि हमने कब पत्र लिखा, उनका पत्र कब आया और उसका समय क्या था। आज 19 तारीख हो गया, 4 दिन बर्बाद कर दिए गए हैं, महामारी फैलती चली जा रही है। लगता है कि प्रियंका गांधी को यह सब सच में करने की जरूरत नहीं थी, हाल पे छोड़ देना चाहिए था। सिर्फ बैठ के कैलाश विजयवर्गीय की तरह पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव आ रहे हैं, अगले साल कुछ महीनों में चुनाव है पश्चिम बंगाल का, जाइएगा ट्विटर हैंडल पे कैलाश विजयवर्गीय के, सिर्फ राजनीति करनी चाहिए थी, सिर्फ राजनीति, हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता फैलाकर नफरत फैलाकर देश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश जिस राज्य से वो आते हैं वहां उनकी सरकार है, बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं की। शायद प्रियंका गांधी ने गलती कर दी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की महासचिव, कांग्रेस की महासचिव प्रभारी के तौर पर उनकी चिंता की, एक हेल्पलाइन जारी की, उनको खाना, उनका घर तक पहुंचाना, उनकी हर तरीके से रहने की मदद उन्होंने की और उन्होंने आज 1100 बसें बॉर्डर पे इस समय खड़ी कर दी है। मजदूर बैठना चाहते हैं। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर बस कंडक्टर ने किसी ने गलती से छींक भी दिया तो उस बस कंडक्टर का टेस्ट होगा और पूरी बस में बैठे हुए लोगों का टेस्ट होगा। यानी कि कोई भी बहाना आप ढूंढिए, बस बसें चलनी नहीं चाहिए, मजदूर उसमें बैठ नहीं जाना चाहिए, मजदूर समय पर सुरक्षित अपने घर नहीं किसी तरह पहुंच जाना चाहिए। और उरैया के अंदर जो बस हादसे में लोगों ने जान गंवाई, आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी, उस तस्वीरों में जो लोग अपनी जान गंवा चुके थे उरैया में, वहां पर एक ट्रक में बर्फ की सिल्ली पर उन लाशों को रखा गया और उसी के साथ घायलों को भी रख दिया गया और उन्हें एक ही खुले टेम्पो में लाशें और घायलों को बिठा कर खुले टेम्पो में झारखंड के लिए रवाना कर दिया गया। रस्ते में बर्फ पिघलनी थी, गर्मी है, लाशों से बदबू आने लग गई, जो घायल थे उनका बैठना मुश्किल हो रहा था उसी खुले टेम्पो में। झारखंड के मुख्यमंत्री को फोन किया गया और मुख्यमंत्री ने तुरंत बीच रास्ते में एम्बुलेंस पहुंचाई और लाशों को और घायलों को अलग अलग किया। ये अमानवीय चेहरा यूपी की सरकार का है। आज उत्तर प्रदेश के 3-3 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस वार्ता करके पूरी तरह से किसी तरह भी कि राहुल गांधी ने कैसे मजदूरों से सड़क पे बैठकर बात कर ली और बात ही नहीं, उन्होंने मदद भी कर दी और वो झांसी अपने घर में पहुंच गए। ये राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हो गई, ये इन्हें मंजूर नहीं। इसलिए निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मजदूरों का समय बर्बाद कर दिया, उनका समय कीमती था, उनके साथ बैठ के बात नहीं करनी चाहिए थी राहुल गांधी जी को, उनके बच्चों को गोद में उठा के उनके सूटकेस उठाकर पैदल चलते हुए बात करनी चाहिए थी, समय बर्बाद कर दिया, ये संवेदनशीलता है। वहीं आज प्रियंका गांधी जी की गलती है, मैं आपसे बस यही कह रही हूं, आप जनता हैं, आप जज बनिए, आप जज बनिए, आप फैसला कीजिए और सही जो है उसे सही कहिए, गलत को गलत कहिए। राजनीति में हम हैं, जनता नहीं है। जनता मात्र एक वोट देकर, अपनी सरकार देकर ये सोचती है कि अब मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी बद से बदतर और नर्क जब बनती है तो जिम्मेदारी बनती है हमारे जैसे लोगों की कि हम उनकी आवाज बने और बुलंद हों, उनकी आवाज सरकारों के कानों तक पहुंचाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आगे बढ़कर हम कुछ मदद भी कर सकते हो तो वो हम करें, जो हम प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें ये राजनीति खोज रहे हैं बारी बारी। बसों की फिटनेस की जांच किए बिना बसें नहीं आगे बढ़ेंगे। अरे आपने बसों की फिटनेस से ज्यादा चिंता कोरोना वायरस की जांच, बसों की फिटनेस की चिंता है, मजदूरों की फिटनेस की चिंता करते हुए अगर कोरोना वायरस के टेस्ट करा दी होती, उसकी जांच करा दी होती, तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत आती ही नहीं, आज ये नौबत आती ही नहीं। मैं आपसे फिर कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, जाते जाते सरकारों ने हथियार डाल दिए हैं। दिल्ली का आंकड़ा 11,000 पार कर चुका है। जब दिल्ली में 50 मामले थे तब लॉकडाउन 1 किया, लॉकडाउन 2 किया, लॉकडाउन 3 किया। अब दिल्ली नहीं बचानी, दिल्ली के लोगों की जान नहीं बचानी, अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था बचानी है, क्योंकि खजाने तो चुनावों में मुफ्त 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 बांट के खाली कर दिए गए थे।
कुछ सेविंग ही नहीं दिल्ली सरकार की कि आपदा कभी आई तो आप दिल्ली वालों का पेट भरने की हिम्मत रखेंगे। कम से कम एक दो महीने तो पेट पाल सकते थे दिल्ली वालों का आप, लेकिन नहीं, चुनाव में करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर और मुफ्त पे खर्च करके खजाने खाली कर दिए। और आज जब आपदा आई है तो 50 दिल्ली में जब मामले थे, लॉकडाउन 1, 2 और 3 कर दिया, और आज दिल्ली के अंदर मामले 50 से 11,000 पार कर चुके हैं। ऐसे समय में लॉकडाउन 4 में आपने दिल्ली को पूरी तरह से खोल दिया है। आज घंटों जाम लगा हुआ था, नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। मैं ये नहीं कह रही लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए था, पर लॉकडाउन 1 और 2, 3 में 50 थे और लॉकडाउन जब खोला जा रहा है, जब 1,000 मामले 11,000 हो चुके हैं, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ दोनों सरकारें, चाहे देश की मोदी सरकार हो, दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, अब दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रह गया है। करोड़ों रुपए के हर टीवी खोलिए, करोड़ों के विज्ञापनों पर, अपनी वाहवाहियों पर, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग, अपने आप को चमकाना, अपने नेताओं की वाहवाह कि इनसे बेहतर नेता तो विश्व में कभी कोई हुआ ही नहीं है। सारा ध्यान इनका अपने नेताओं की, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो, दोनों अपने नेताओं की मात्र छवि को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और जो इनसे प्रश्न करेगा वो उन्हें इस राजनीति के इस स्तर तक खींच के ले आएंगे कि कोई भी मदद करने के लिए, आगे आने के लिए 1,000 बार सोचेगा। वो सोचेगा कि यार मैं तो मानवीय आधार पर एक संवेदनशीलता दिखाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया था और मुझे ही बदनाम करके, मुझे ही जनता की नजर में गिराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इससे तो बेहतर है कि मैं घर रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं, सुरक्षित रहूं। ऐसी सोच आ सकती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी मत आइएगा ऐसी सोच। जितनी मदद कर सके किसी की भी मदद कीजिएगा। और आपसे लास्ट अपील यही करूंगी, इस वीडियो को शेयर इसलिए करिएगा कि ये जो बसों की राजनीति चल रही है, जनता जज बनकर खुद फैसला कर सके कि कौन उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों की मदद करना चाहता है इस ऐसे समय पर, और कौन उसमें राजनीति करके 4 दिन मजदूरों के बर्बाद करके इजाजत परमिशन नहीं देते हैं, मजदूरों को बैठने नहीं देते बसों में, उनके घरों तक उनको नहीं पहुंचने दे रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। फैसला प्रियंका गांधी को नहीं करना है, फैसला योगी आदित्यनाथ को करना है। इसलिए फैसले में 4 दिन बीत गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह की मदद, 1,000 बसों की मदद देने में 2 दिन भी नहीं लगाए, लेकिन इजाजत मिलने में आज 4th दिन 19 मई खत्म हो रहा है। मैं आप सभी से कहूंगी जाते जाते, लॉकडाउन 4 है, पूरी तरह से दिल्ली को खोल दिया गया है, सुरक्षा से बिल्कुल समझौते किए जा रहे हैं, कोई तैयारी इन लोगों की नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, घरों में रहिए, हाथ धोते रहिए, बाहर जाएं तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी दूरी बनाकर एक दूसरे से रख सकें उतनी रखिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और जाते जाते जनता के इस, जो मैंने कहा है, जनता ही जज है, जनता अपना फैसला सुनाए, तो मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन मदद करना चाह रहा है और कौन अपनी जिम्मेदारियां होते हुए भी मात्र राजनीति कर रहा है। ये आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ के जा रही हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।